मुरादाबाद महिला अधिवक्ता ने एक युवक पर लगाया भाई के अपहरण का आरोप, एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें कि आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर दर्जनों की संख्या में पहुंचे अधिवक्ताओं ने कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दर्ज कराया। शिकायती पत्र में महिला अधिवक्ता फराना खानम ने अपने भाई अनस का अपहरण का आरोप लगाते हुए एक अजमेर निवासी शाने आलम नामक युवक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र के माध्यम से महिला अधिवक्ता ने बताया कि 15 दिन पूर्व महिला के भाई को एक युवक कपड़े का काम कराने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। तब से लेकर अब तक महिला अधिवक्ता के भाई का कुछ पता नहीं चला है। इस संबंध में थाने पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद महिला अधिवक्ता अपने अन्य साथियों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, अपहरण करने वाले युवक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई। पराना जी, क्या समस्या है, क्यों आए एसएसपी से मिलने? मेरा भाई 5 दिन से गायब है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। किस तरह से लापता हुए हैं आपके भाई, जरा थोड़ी डिटेल में? मेरे भाई को शाना नाम का लड़का है, करूले पे रहता है। वो लेकर गया था अपने साथ 15 दिन पहले कपड़े की बात करने के लिए। 4 तारीख को बात हुई थी मेरे भाई से, तब शानानंद से भी बात हुई, उसने बताया था कि मेरा काम अच्छा चल रहा है यहाँ पर, मेरे और पैसे वगैरह भी हैं मेरे पास। उसके बाद में जब हमने नेक्स्ट डे कॉल की भाई को, तो उसका नंबर बन जा रहा था। हमने शानानंद को कॉल की, लेकिन शानानंद ने कॉल रिसीव नहीं की। जब शाम को उसने कॉल की तो उससे बोला कि शानानंद चला गया है मेरे पास से कल शाम, हमने पैसे और सारा सामान लेकर चला गया है। जब वो घर नहीं पहुँचा, मेरे भाई और कजिन वगैरह वहाँ गए हुए हैं, उसकी जानकारी भी वहाँ के लोगों से पूछा, सब लोगों ने बताया है कि 4 तारीख की शाम को शानानंद के साथ आखिरी बार देखा था, और शानानंद ने वहाँ एक चाकू भी खरीदा था, लेकिन शानानंद वहाँ से भाग गया। जब मेरे घर वाले वहाँ पहुँचे, शानानंद अपनी पत्नी के साथ वहाँ से भाग गया और वो 2 दिन से मुरादाबाद में रह रहा है। शानानंद आपके भाई को अजमेर लेकर के गए जब से लापता है जी, तो आपके भाई शाने आलम के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं? नहीं, वो भाई मेरे कपड़े का काम करते हैं और शाने आलम का जूस का काम है वहाँ पे। अच्छा, तो वो किस तरह से लेके गए आपके भाई को? वो ये बोलकर लेकर गया था कि वहाँ काम अच्छा चलता है कपड़े का, इसलिए सर्दी का टाइम है, गर्म कपड़े का काम कर रहा था मेरा भाई। कितने दिन हो गए इस घटना? 5 दिन हो गए, और 2 दिन से शाने आलम अपने घर आराम से बैठा है। थाने गए थे, थाने के लोगों ने ये बोलते 3 बार थाने गए थे कि ये घटना अजमेर की है, आप अजमेर जाइए। जबकि शाने आलम मुरादाबाद में है, और शाने आलम के घर हम गए, उसने कहा साफ साफ दे दिया, बोला मुझे कुछ नहीं मालूम, तुमने जो करना है कर लो, मेरे पास जो है पुलिस के दलाल है। मुरादाबाद में किस जगह रहते हैं? मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज वाका स्कूल के सामने गली में। आपके भाई कहाँ रहते हैं? मेरे भाई मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाब मस्जिद के पास। तो एसएसपी से मिले आप? एसएसपी साहब से भी मिले हैं। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी।